तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ अबैकस। तो अबैकस क्या होता है वो मैं पहले समझा देता हूँ। अबैकस होता है जिसके ऊपर हम बीट्स होते हैं, जिसके ऊपर हम प्लस, एडिशन, माइनर, डिवीजन और बहुत कुछ कर सकते, जिससे कि अपना आपका मेमोरी, कंसंट्रेशन और कैलकुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा पहली वीडियो है। उससे पहले की वीडियो, कल की वीडियो में मैंने 93 का टेबल बोला था, जिसमें कि मेरा दोस्त वन टैप गेमर था। उसमें मैंने 93 का टेबल पूछा था। तो फिर वो मैंने कैसे किया, वो मेरी एडिंग नहीं थी, वो मेरा ये अबेकस था जो कि मैं विजुअल में कर रहा था, इसलिए आपको मेरा वो अबेकस दिख नहीं रहा था। लेकिन अब ये मैं नया नया आया हूँ, इसलिए आज मैं एक अबेकस की वीडियो बनाने वाला हूँ। बिना देरी किए शुरू करते। तो फिर ये है मेरा अबेकस। इसमें अब मैं बेसिक चीज सिखा देता हूँ। इसमें ये बीट्स होते हैं, ये मैं ठीक से नहीं लगा पा रहा क्योंकि मुझको वो, मेरे पास वो क्या स्टैंड नहीं होता है जिससे कि मैं ऐसे ऊपर लटका सकूं और आपको ठीक से दिखे। ठीक है, एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन अब हमको क्या करना है कि शुरू करना है अपना ये। तो फिर बेसिक में क्या है कि ये है इधर, ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं पांच, उसमें से ये वाला जो डॉट है हमको मिडल डॉट बोलते हैं, और साथ में यूनिट डॉट। ये जो लाइन दिख रही है आपको, उसको हम डिवाइडर बोलते हैं। ये ऊपर का जो दिख रहा है उसको हम फ्रेम बोलते हैं, और ये बीट्स है जिनको हम ये से होते हैं ना, इनको हम बीट्स बोलते हैं। तो फिर ये नीचे के बीट्स को हम लोअर बीट्स भी बोलते हैं, और साथ में अर्थ बीट्स, और ऊपर के बीट्स को हम साथ में हेवन बीट्स भी बोलते हैं। तो फिर अब हम क्या कर सीखते हैं कि अब ये लोअर बीट्स की, अब हम अबेकस पे बीट्स की मदद से कैसे करेंगे। तो पहले पहले ये देखो, ये वन इधर चार बीट से नीचे, इसमें हर एक बीट एक वैल्यू कंसिस्ट करता है। जैसे कि ये वन, टू, थ्री और ये फोर। तो ऐसे होता है अपना अबेकस। और ये ऊपर का बीड होता है जिसको, जो कि एक ही बीड होता है, उसको हम फाइ कंसिस्ट करते हैं। तो फिर अब ये अबेकस में हम कैसे करेंगे, ऐसे 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 तो नहीं कर सकते। तो फिर हमको क्या करना है कि अब मैं ऐसे जो दिखा रहा हूं वैसे आपको नहीं करना है, आपको ऐसे रख के करना है। ये देखो, ये ऊपर वाले अपर बीट्स आगे हो गए, जस्ट लाइक दिस ऐसे होगा, आपको दिख रहा है ना। तो फिर ऐसे होगा अपर बीट्स। तो फिर ऐसे होगा, आपको ऐसे रखना है। आपको जरा उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ मैं हूं और इधर आपको ऐसे रखना है। तो समझ आया। फिर इधर अब हम क्या कर, अब ना एडिंग कैसे करना है वो हम अब सीखते। अब ये हमको दोनों हाथों का यूज करना है, जिससे कि हमारे दोनों ब्रेन काम करेंगे। वो जरा कैमरा ठीक से नहीं लगा है, इसलिए मेरा ठीक से फेस भी नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने अपना अपना
क्या बॉडी नीचे कर लिया, हमारे ये दोनों हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है जो कि हमारे राइट ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और ये हमारा राइट हैंड है जो कि लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और ये जो राइट ब्रेन होता है ना जो कि लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड होता है, वो राइट ब्रेन मतलब लेफ्ट ब्रेन से ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए लेफ्टी भी बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। तो फिर अब हम सीखते कैसे करना है। अभी फिंगर, ये फिंगर और हमारा ये हाथ और ये तीन फिंगर, ये पांच फिंगर हमारी मदद करेंगे। ओ सॉरी सॉरी, मतलब ये पूरे फिंगर्स। अब हमको क्या करना है कि हमको पहले क्या करना है कि अबेकस को ऐसे करना है, मतलब ऐसे पकड़ने का है और अबेकस ऐसे करने का है। ऐसे नहीं, ये सॉरी दो बो दोन सॉरी दो बो सॉरी मैं मराठी से बिलोंग करता हूँ इसलिए वो मुझको ठीक से मतलब हिंदी बोलनी नहीं आ रही है। तो फिर ये हमारी दो उंगलियां, ये दो उंगलियां नहीं सॉरी हमारी ये दो उंगलियां, ये नीचे के बीच प्लस करेगी, सॉरी ये नहीं करेगी, ये इसको हम बोलते लेजी थम। आपने इस फिंगर को थम बोलते हुए सुनाए, लेकिन अबेकस में हम इनको लेजी थम बोलते, और ये स्नेक क्योंकि ये माइनस करता है और फाइव और प्लस भी करने को मदद करता है, लेकिन कौन से नंबर को वो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, पहले हम बेसिक सीखेंगे। तो फिर ये स्नेक फिंगर समझो। अब मैंने दो मिनट, आपको ठीक से दिख रहा है क्या? हाँ, आपको ठीक से दिख रहा है ना? तो फिर मैंने एक हाथ में मेरा कैमरा क्या मोबाइल सॉरी मैं बार बार कैमरा बोल रहा हूँ, मैंने एक हाथ से अपना मोबाइल पकड़ा है इसलिए मैं आपको ऐसे रैबिट फेस करके पहले दिखा देता हूँ। तो फिर हमको ये करना है कि ये रैबिट फेस है और ये और रैबिट को जैसे कि कैरट्स पसंद है इसलिए वो ऐसे पकड़ेगा, वैसे ही हमको इसको पकड़ना है, और ये उसके दो कान, और इनका भी कोई तो क्या मतलब इनका भी कोई काम होता है, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो फिर और जो वो एपिसोड आज रात को ही आ जाएगा, तो फिर मैं अब ये आपको पकड़ने का है। तो फिर अब हम प्लस कैसे करेंगे, अब ये हमारा लेजी थंब है, इसको हमको लेना है और ये हम सिर्फ नीचे के बीट्स प्लस कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, और हम इससे माइनस करेंगे, इसको हम स्नेक फिंगर इसलिए कहते क्योंकि हम इससे क्या 5 प्लस भी कर सकते और माइनस, और लेकिन नीचे के बीट्स को हम थंब से प्लस करेंगे और स्नेक फिंगर से माइनस करेंगे। तो फिर अब हम अब एडिशन कैसे करना है वो पहले सीख लेते हैं। तो फिर अब हमको समझो, मैं एक सम देता हूँ 2 + 1 + 1, ये देखो ये 1 और 2 ऐसे होता है ना, 1 और 2 फिर +1 and +1 आंसर इज 4। तो फिर अब आप तो ये सोच रहे कि हम ऐसे मतलब स्नेक फिंगर से हम माइनस करते फिर हम ऐसे ही करेंगे ना, तो फिर ये सही तरीका नहीं है। अब ये हमारा 4 आया था, हमको ऐसे करना है, ऐसे इसको माइनस करना है, और अगर समझो मैं
एक माइनस का सम देता हूं, 1 + 2 + 1 - 3, मतलब देखो प्लस वन वन बीड, अगेन प्लस वन वन बीड, टू प्लस टू मीन्स टू बीड्स, 1 and 2। तो फिर अब हमको माइनस थ्री करना है, इसलिए हम 1 2 3 ऐसे माइनस करेंगे, हम ऐसे माइनस नहीं करेंगे 1 2 3, हम डायरेक्ट ऐसे माइनस करेंगे। फिर हमारा आंसर क्या है, 1। तो फिर हम और थोड़े से सम्स लेते हैं, जैसे कि 1 + 3 - 2 आंसर इज। और अगर पूरा सम खत्म हो गया ना, इसके आगे कुछ नहीं आया, तो हमको वही रोक देना है और जो रिमेनिंग होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे कि 1 + 3 - 1 + 1, तो फिर अब मैं क्या, सम तो खत्म हो गए, मतलब 1 2 ऐसे खत्म हो गया है। अब हमारे इधर 4 बीट्स खत्म मतलब रह गए हैं, इसलिए इधर मतलब हमारा आंसर 4 है, 1 2 3 4 ऐसे। फिर अब हम जरा एक सम लेते हैं 5 का, जैसे कि आपको तो पता है हम किससे 5 प्लस करेंगे और किससे माइनस, +1 + 2 + 5 + 1। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, तो ये गलत है, ये 1 2 3 और ऊपर का 5 होता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि, ठीक है फिर से बता रहा हूँ कि ये ऊपर का 5 है, इसलिए 1 2 3 और 5 मतलब 1 2 3 4 1 2 3 5 इज इक्वल, मतलब ये 8 हो गया और एड 1 ये 9 हो गया। तो फिर मैं सब कुछ अब बता देता हूँ, 1 2 3 4 ये है 5 6 7 8 9। तो फिर दोस्तों यही हमारी अब आज की वीडियो खत्म होती है। तो फिर आपको तो फिर अब मैं इन नंबर्स को याद रखने के लिए मैं आपको अगली वीडियो में एक सॉन्ग दूंगा, उसका नाम है नंबर सॉन्ग, जिससे कि आपका अबेकस में कितने बीट्स कितने नंबर होते हैं वो आपके ध्यान में रहेंगे। तो फिर आज की वीडियो यही तक ही। तो फिर आपको कैसी लगी है वीडियो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू।